सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है आसमा नेगी और आप सभी का स्वागत है मेरे इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बढ़िया होंगे। हम भी बढ़िया हैं, मिकी के साथ एकदम से बढ़िया हैं। हाय बोल, हाय करो, नमस्ते करो। घूमी नहीं जाना है, घूमी नहीं जाना, नमस्ते करो सबको। भले सबको नमस्ते। तो आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा है, अच्छी वाली धूप खिली हुई है। रात को थोड़ा सा बारिश हुई थी पर अभी मस्त वाली धूप है। और आज मैं अभी मिकी के साथ हूँ, उसके साथ आज कोई नहीं है तो मैं ही हूँ। और तो मैं लेकर जा रही हूँ आज मिकी को स्कूल में, आंगनबाड़ी की स्कूल में। चलते हैं हम, ठीक है? हम जाएंगे आंगनबाड़ी की स्कूल में और साथ में आप भी आइए। बहुत देर से बोल रहा है बड़ी मम्मी घूमी चलो, बड़ी मम्मी घूमी चलो, तो मैंने सोचा चलिए आज इसको स्कूल ले चलते हैं। वहीं से हम जाएंगे गौशाला मिकी को लेके। मिकी को बछिया भी दिखानी है आज, मिकी को बछिया भी दिखाएंगे और गौशाला भी ले चलेंगे, ठीक है? आएगा गौशाला, गौशाला भी आएगा। चलो 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 चलो। क्या कहने दे तो, और क्या करना है मैंने इसका, इसका क्या करें हम? संभालने के लिए दे रहा है मेरे पास पैसे, बोल रहा है कि जेब में रख। बल मिकी को ना सीढ़ियों पे चढ़ने चढ़ते चढ़ते थकान लग रही है ना, तो उफू उफू भी कर रहा है, उफू उफू। यहाँ देखो थकान लग रही है ना, तो जैसे बूढ़े लोग नहीं करते हैं उफू उफू, ऐसे ही कर रहा है सीढ़ी पे जाने से। ये देखो और पूछ रहा है कि बड़ी मम्मी गौशाला कहाँ है। बस अजी फिर बोल दो, मेरी मम्मी गौशाला कहाँ है? गौशाला हम कहाँ जा रहे हैं? गौशाला से पहले कहाँ जाएंगे? स्कूल, स्कूल ना, स्कूल में क्या करना है? और आ पढ़ेंगे ना, है वहाँ पे बहुत सारे तेरे साथ के बहुत सारे बच्चे हैं वहाँ पे, ठीक है? खिलौने भी मिलेंगे वहाँ पे। गौशाला बाद में जाएंगे, पहले स्कूल चलेंगे। अभी मैं गौशाला आ रही हूँ और मिकी को सोचा था मैंने कि स्कूल लेके चलती हूँ, लेकिन फिर डिसीजन चेंज हो गया तो नहीं गए हम स्कूल। रास्ते तक आए फिर मैंने उसको उसके दादाजी के पास छोड़ दिया और मैं जा रही हूँ अब गौशाला। फिर मैं उसके बाद घास के लिए जाऊँगी। और आज हमारे गांव में पार्टी है, गांव के ससुर जी होते हैं, वो PWD से रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो आज गांव में सबके लिए खाना वहीं पे है, तो दिन में हमारा खाना वहीं पे होगा आज, और पार्टी में होगा खाना, तो घर में खाना नहीं बनाना है आज। आज डायरेक्ट खाना खाने के लिए आना है घर। फिलहाल अभी घास के लिए चलती हूँ और मौसम भी अभी अच्छा है, अच्छी वाली धूप है। आगे देखते हैं मौसम कैसा रहता है। जहाँ पे रिटायरमेंट पार्टी हो रही है वो लोग आ चुके हैं और उनको भेजने के लिए उनके स्टाफ वाले सभी लोग बाजे पे आ चुके हैं, तो इनका स्वागत हो रहा है यहाँ। हो
उनका स्वागत, उनका माल्यार्पण तो अभी चल ही रहा है, तो खाना तो अभी तैयार हो रहा है। मैंने सोचा तब तक मैं थोड़ा सा घर चली जाती हूँ, क्योंकि घर में मुझे थोड़ा सा अभी काम है, तो मैं फिलहाल जाऊँगी घर खाना खाने में, बाद में आ जाऊँगी। अभी उनका वहाँ पे माल्यार्पण हो रहा है, सभी लोग माल्या। 1:30 बजे का टाइम हो चुका है और हम जा रहे हैं अब खाना खाने। देखते हैं, शायद लोगों ने खा दिया होगा, कुछ लोग खा रहे हैं। बाकी मुझे थोड़ा सा घर में काम था तो इसलिए लेट हो गया। हम अब जा रहे हैं खाना खाने। खा के अभी घर में पहुंच चुकी हूं और 2 बजे का टाइम हो गया है और खाना वाना सब हमारा हो चुका है। तो यही होता है हमारे पहाड़ों में, बस ऐसी ही थोड़ा सा सिंपल सी पार्टी होती है, ज़्यादा ऐसा धूमधड़ाके वाला नहीं होता है। और सबसे बड़ी, सबसे अच्छी हमारी पहाड़ों की सबसे अच्छी बात यही है कि हमारे गाँव में सभी लोग खाना मिलजुल के बनाते हैं, ऐसे दिहाड़ी मजदूरी में खाना नहीं बनवाते हैं या टेंट सिस्टम नहीं होता है, बस सारे गांव वाले मिलकर खाना बनाते हैं और सभी लोग जमीन पे बैठ के खाना खाते हैं। यही हमारे पहाड़ों की सबसे बड़ी परंपरा और संस्कृति यही है कि हम जमीन पे बैठ के खाना खाते हैं, और हमारे पहाड़ी लोग जमीन पे बैठ के खाने में ही बहुत अच्छे और बहुत ही खुश हैं। सभी लोग बहुत खुश हैं और मस्त हैं। जमीन पे खाना सबसे अच्छी बात होती है, क्योंकि हम तो हैं ही जमीन से जुड़े हुए और हमेशा जमीन से जुड़े ही रहना है, तो ज़मीन पे खाने से कोई शर्म वाली बात नहीं है। और पहाड़ों की यही पहचान है, पहाड़ों की लोगों की यही पहचान है कि हमारा जीवन सादा और सिंपल सा जीवन है, तो इसी में हम लोग खुश रहते हैं। बाकी तो क्या ही बोला है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए यार। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मुझे अपना प्यार, अपना सपोर्ट बस यू ही देते रहिए। बाय।